इंसिडेंट हुआ अर्चना गौतम जी के साथ जी। अभी यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री एंड उनको जिस तरह से मैनहैंडल किया गया जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसकी? देखिए ये बहुत दुखद न्यूज़ है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अराउंड 70 इयर्स हम पे राज किया, तो उनके पार्टी ऑफिस के बाहर ये हादसा हुआ है। और बहुत ही मुझे, मैं सच बताऊँ तो मैं खुद एक मिनट के लिए, जब मैंने रात में ये वीडियो देखा तो मुझे एक मिनट के लिए ये लगा कि ये एक्चुअल मतलब जो इंसिडेंट है जहाँ पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनका दुपट्टे को खींचा गया, उनको पुश किया गया, और स्पेशली जो एक मेरे दिल को बहुत अंदर से जो घात पहुँचा वो देख के कि जब उनके पिताजी को मैंने रोड पे देखा जैसे उनको पुश किया गया, उनको मारा गया। और ये भी आप देखिए कि दिल्ली में जहाँ से पूरा हमारा देश चलता है जिसको हम राजधानी बोलते हैं, अगर एक महिला जो नोन फेस है हमारी इंडस्ट्री की और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो मैं शौक हूँ कि जो आम औरतें वहाँ पे कभी जाती होंगी या आप कह लो हेल्प के लिए, या जैसे आम कार्यकर्ता जाते हैं जिनमें कि बहुत सारी महिलाएं आज के डेट में जो हमारे राजनीति से जुड़ी हुई हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा, ये मेरा मतलब इसको सोच के मैं थोड़ा घबरा गई एक बार देख के कि ऐसा इंसिडेंट कैसे हो सकता है, उनके साथ कैसे ऐसा दुर्व्यवहार किया जा सकता है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैम क्या आपको उन्होंने कॉल किया या इस पूरे बारे में आपसे कुछ हेल्प मांगी? नहीं, मेरे साथ उनकी बात हुई, मैंने उनसे जानने की कोशिश भी की कि क्या इसका कारण रहा, तो वो बहुत ही, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस पार्टी से चुनाव लड़ा है पहले और उसके बाद वो इंडस्ट्री में आए हैं, बट जो उनका वो था वो बहुत ही नॉर्मली, शायद जैसे हम, मैं भी अगर दिल्ली में हूँ तो हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से मिलना होता है हम लोग का भी ऑलरेडी, जो अभी महिला आरक्षण का जैसे आपने देखा वो बिल पास हुआ उसी के ऊपर बातचीत होने के लिए वो लोग गए थे, बट उनको एंटर ही नहीं करने दिया गया कि जहाँ तक मुझे पता चला है, इवन अपने मीडिया भाइयों से भी दिल्ली में मुझे पता चला है, तो बट जो है कि उनको घबराई हुई तो थी ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है जब आप एक ऐसी इतनी बड़ी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सबको वेलकम है, कोई वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता, जहाँ तक मैं भी खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो वो आम दरबार है, आम जनता के लिए वो दरबार है जहाँ पे हर किसी की बात सुनी जाती है, और जैसे वो गई और जितना मुझे पता चला तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके साथ होना चाहिए था। क्या उनके पिताजी और उनको कोई ऐसी कोई चोट आई है जी? जो मैंने भी वीडियोज़ में देखा है मुझे ये पता चला है कि उनके पिताजी को काफ़ी चोट आई है, स्पेशली उनके स्टाफ को भी जो, बट उन्होंने कोशिश ये की है कि उनको निकाला जाए वहाँ से जितना जल्दी हो सके, और अब वो सुरक्षित हैं जहाँ तक मुझे पता चला है, मेरी बात हुई है तो पिताजी के साथ तो काफ़ी मतलब बहुत ही ख़राब व्यवहार हुआ है, अर्चना के साथ तो हुआ ही हुआ है, बट उनके पिताजी को जैसे टारगेट किया गया और जैसे उनको मारा पीटा गया वहाँ पे, आप देख भी रहे होंगे जितने भी हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं उसमें भी वो एकदम सड़क पे गिरे हैं और चेहरे पे उनके और पाँव में काफ़ी उनको चोट दिख रही है मुझे उस वीडियोज़ में भी, तो हुआ है। चांदी जी, अक्सर देखा गया है कि आप RSS में भी हो और आप महिला को लेकर के, वह एम्पावरमेंट को लेकर के, और आप हमेशा से अगर अन्याय हो कोई लेडीज़ के खिलाफ तो आप एक स्टैंड लेते हो, तो आप इस चीज़ में आप किस तरह से, आप अर्चना के साथ किस तरह खड़े? नहीं बिल्कुल, मैं खड़ी हूँ और मैंने मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि जैसे अभी हमने हाल ही में मणिपुर का हादसा देखा, यूपी में हम लोग देखते रहते हैं आए दिन, कुछ ना कुछ ट्विटर पे भी आप देखते हो ऐसे कुछ शर्मनाक वीडियोस हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि औरत को क्यों ऐसे टारगेट किया जाता है हमेशा, और मैं बिल्कुल, मैं अर्चना जी हैं, चाहे अर्चना जी की जगह कोई और भी होती मैं उनको भी पूरा सपोर्ट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस पर लीगल कार्रवाई हो इसको, क्योंकि जैसे आप अभी देख रहे हैं कितनी हम लोग उत्साहित थे जब हाल ही में मोदी जी ने पार्लियामेंट में महिला आरक्षण को लेकर बिल पास किया, और ये बहुत ही मतलब आप देखिए दो चीज़ें जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस के बाहर ऑफिस के बाहर ये हो रहा है दुर्व्यवहार, और दूसरी तरफ हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट इतना काम कर रही है महिलाओं को लेके, तो मैं तो उनके साथ पूरा सपोर्ट में हूँ, और लीगली उनको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी रहूँगी, और उन जैसी कितनी जो भी महिलाएँ हैं उनके साथ हमेशा मैं खड़ी रहूँगी। फिल्म निर्माण क्षेत्र में आना कैसे हुआ, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में निर्माता बनना, वो भी महिला का होगा, कितना चुनौतीपूर्ण था आपका इस क्षेत्र में आना? मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी खुद की 13 साल की बेटी है, तो 2019 में मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया था एज प्रोड्यूसर, और मेरा पहला शो रक्तांचल था, तो बहुत ही अच्छा उसको कामयाबी मिली, बट ये ज़रूरी है कि बताना भी कि जो स्ट्रगल का टाइम रहा, क्योंकि पहली जो हमने फिल्म की थी वो 2010 में की थी, मिले ना मिले हम कंगना जी के साथ,
और उसके बाद का जो समय रहा, ऑब्वियसली जो एक माँ का कर्तव्य होता है पहले उसको मैंने पूरा किया, जब मेरी बेटी एकदम ग्रो हो गई, वो स्कूल जाना शुरू कर दिया, वो खुद की टेक केयर कर सकती थी, तो उसके बाद उसकी परमिशन से कि क्या मैं काम कर सकती हूँ अभी, तो मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और मुझे खुली बाहों के साथ, मैं सच बताऊँ तो मुझे इंडस्ट्री ने वो दिया, सपोर्ट किया, और इसीलिए आज मैं आपको सच बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो मैं आज बात करना चाहती थी उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो लोग महिलाओं को इंडस्ट्री में भेजने से, स्पेशली गर्ल्स को जो अपना करियर शायद यहाँ ढूंढती हैं, उनको भेजने से लोग डरते हैं। बट एक ये मैसेज भी जाता है कि हम जो महिलाएं प्रोड्यूसर हैं या और भी फील्ड में, चाहे वो आप मेकअप आर्टिस्ट ले लो, डिज़ाइनर्स ले लो, जितने भी बेस्ट वो हैं, और मतलब एक्ट्रेसेस ले लो, आज जागरूक है हमारा समाज और एक दूसरे को जो सपोर्ट करता है। ये बॉम्बे की एक अलग फीलिंग भी है, जहाँ पे कुछ भी ऐसा कभी गलत होता है तो पूरा बॉम्बे एक साथ होता है, पूरी इंडस्ट्री एक साथ होती है, और हम सब कोशिश करते हैं कि हमें न्याय मिले और हम लोग जो है ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो एज अ प्रोड्यूसर आप कह लीजिए या सेम इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि हमें इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, और भी मेरे इंडस्ट्री के जितने फ्रेंड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि इस बारे में बात हो, इस उनको इस बात पे न्याय मिले और दोबारा ऐसी कोई घटना किसी के साथ भी ना हो। ये देखा जाए तो ये इंसिडेंट हुआ है, अभी तक के किसी की भी तरफ से पॉलिटिकली कांग्रेस की तरफ से आप कोई एक बयान नहीं आया है और अभी तक माफ़ी भी नहीं आई है, तो देखिए मैं तो चाहूँगी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उनके ऑफिस से, स्पेशली अब जैसे कांग्रेस का आज ही मैं मीडिया में देख रही थी नाम बाहर आया, तो मैं चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी प्रियंका जी से और राहुल गांधी जी से कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आपकी पार्टी के, उनसे माफ़ीनामा लिया जाए, उनको जो भी है उनको इस अपराध की जो भी सज़ा मिलनी चाहिए लीगली वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि भीड़ में एक औरत पे अत्याचार करना, उसके उसके बालों को नोचना, उसके पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करना, उनके स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार करना, और मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, और इनके ऐसा वो मैसेज छोड़ रहे हैं कि अगर उनके ऑफिस के बाहर लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हमारा फ्यूचर कांग्रेस के साथ क्या है, ये आप सब देख ही सकते हैं। चांदनी जी, आप देश की सबसे बड़ी जो संगठन है RSS, उसके साथ भी आप जुड़ी हैं, तो आपकी संगठन में बात हुई इस मुद्दे को लेकर के? नहीं, अभी तो मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद ही, मतलब आप सोचिए कि मैं एक ऐसा सोर्स हूँ, मैं उनका जो RSS का जो विश्व मांगलिक संगठन है उसके मैं फिल्म उद्योग की हेड हूँ, मैं उनका उनकी तरफ से फिल्म उद्योग में जब भी कोई ऐसी बातचीत होती है, हम लोगों को जोड़ते हैं मातृत्व के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए कि जो हमारी रूट्स हैं स्पेशली वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए उनका कारण ही ये है विश्व मांगलिक संगठन का, ये संगठन बनाने का RSS का, कि जो हमारी मदर्स हैं, जो आज की जो महिलाएं हैं, चाहे वो गर्ल हैं, जो आज के 50 साल बाद जो हमारा समाज है, हमारे जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, उनको ऐसा जो है नॉलेज और उनका जो संस्कार है इतना स्ट्रांग हो कि ऐसे हादसे ना हो समाज में, इसीलिए ये विश्व मांगलिक को भी, इस संगठन को भी बनाया गया है। इसको कुछ 12 साल हम लोग को काम करते हो गए, मैं कुछ अभी 4 या 5 साल पहले जुड़ी हूँ, और मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो कहीं ना कहीं मेरा हृदय बहुत दुखी हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं एज अ विश्व मांगलिक सभा के, चाहे आप कह लो हम सब एक ही लेवल पे वहाँ पे हैं, वहाँ कोई प्रोड्यूसर कोई एक्टर नहीं है, सबको एक लेवल पे वहाँ पे जोड़ा जाता है, तो ये बहुत दुख की बात है कि इतना हम लोग एफर्ट करते हैं और उसके बाद भी ऐसे हादसे सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारे माध्यम से ये मैसेज जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर हम लोग निंदा करें और कहीं ना कहीं उनको लीगली इंसाफ मिले इस चीज़ को। आखिरी पूछना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग बिजनेस में है, फिल्में जब बन जाती हैं तो आखिरी जो सबसे बड़ा फॉर्मेलिटी होता है कि सेंसर से उसको सर्टिफिकेशन मिले। हाल ही में एक बड़े साउथ के एक्टर ने आरोप लगाया कि काफ़ी भ्रष्टाचार है, जब आप सर्टिफिकेशन लेते हैं तो इतना आसान नहीं होता सर्टिफिकेशन लेना, उसके बारे में क्या राय है आपके? देखिए ये तो मैं इस न्यूज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ अभी, बट हाल ही में अभी मैंने खुद में मेरी गुजराती फिल्म आ रही है और बहुत अच्छी मेरी टीम है, तो हमें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया, और बहुत इजीली जो एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, जो ये आपका टाइम प्रोसेस है उसको
सबमिट करना, सेंसस सर्टिफिकेट के लिए बहुत सी उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं कि कुछ ऐसा मान लो कोई फिल्म है जिसमें थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ है तो वो कारण बन सकता है, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भ्रष्टाचार वाली कोई बात है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। थैंक्स मैम।